हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं कायदे आज़म स्पेशल वीडियो दिसंबर 25 म्यूज़ियम एट मीनारे कायद कराची पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं। और 25th को कायद डे करके मनाया जाता है पाकिस्तान में, मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थ का दिन 25th। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Discover. मज़ार-ए-क़ायद म्यूजियम क़ायद। मज़ार के अहाते में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी से जुड़ी बहुत सी नायाब अशिया जो कायद की जिंदगी में उनके ज़ेरे इस्तेमाल रही, उन्हें बड़ी खूबसूरती से महफूज करके मज़ार-ए-क़ायद म्यूजियम रखा गया है, हिस्सा बनाया गया है। म्यूजियम का हिस्सा बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो उनकी रेयर फोटोज, कुर्सी पे बैठने वाला फोटो बहुत ज्यादा देखा है। दाहिनी तरफ कायदे आजम की कुछ लिबासी और नफासत को जाहिर करते लिबास, उनके इतना पुराना लिबास साफ नजर आते हैं, लेकिन आज का ही लग रहा है। ये इन मलबूसात में रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ साथ वकालत का सूट भी नजर आता है। वकालत, म्यूजियम की बाई जानब कायद के जेरे इस्तेमाल रहने वाली नायाब गाड़ियां भी महफूज की गई हैं। KM 1327 नंबर, कितनी पुरानी है यार ये, बहुत रेयर, बहुत रेयर चीज है। कार तो बढ़िया है, ब्लैक एंड व्हाइट दो कार्स। तो है ज्यादा है, तकसीम से कबल तय किया गया पाकिस्तान का मुजव्वजा नक्शा भी इसी म्यूजियम का हिस्सा है। इस नक्शे में तकसीम बरे सगीर के फार्मूले के तहत पाकिस्तान में शामिल होने वाले तमाम इलाका जात साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ मौजूद उस दौर के सिक्के और स्टैम्प्स भी इस म्यूजियम की तारीखी अहमियत को बढ़ाते हैं। सिक्के, कायदे आजम के जेरे इस्तेमाल फर्नीचर को भी बड़ी नफासत से रखा गया है। इस फर्नीचर में उनकी डाइनिंग टेबल और बेड भी शामिल है। वाह जी वाह, क्या बात है। इस म्यूजियम में दिखाई गई लाइब्रेरी, मेज, गोल्फ किट्स, गोल्फ और उनके नजरियात को कलम बंद करने वाला वो यादगार कलम भी मौजूद है। कलम भी है, इसी कलम से लिखे गए नजरियात और अफकार से अज़्म और हौसला लेकर आज भी दुनिया भर के लीडर अपनी कौमों की रहनुमाई कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम बरे सगीर के अजीम महबूब रहनुमा को उनकी अनथक मेहनत, कुर्बानी और पाकिस्तान जैसे बेशकीमत तोहफे की इनायत पर खराज तहसीन पेश करने मज़ार कायद पर जरूर जाएं कि यहाँ हमारी हुब्बुल वतनी को जला भी मिलेगी और हम अपने अजीम कायद की अनथक मेहनतों का एतराफ करके उनका कर्ज भी उतार सकेंगे और अपना फर्ज भी अदा कर सकेंगे। याद रहे यही जिंदा कौमों के जिंदा लोगों की निशानी है। ओ, सही वीडियो था यार बहुत। तो ये था कायद आजम की चीज़ों को जो संभाल कर रखा गया है, उसका म्यूज़ियम हमने देखा अंदर से, बहुत कुछ था। मतलब मुझे सबसे बढ़िया कार लगी,
कार बहुत ही प्यारी लग रही थी, मतलब वाइट एंड ब्लैक, वो रेयर मॉडल्स जो पुराने होते हैं वो, और बहुत सारी चीज़ें थी, उनके सूट, उनकी वकालत की चीज़ें, तो सारा कुछ संभाल कर रखा हुआ है, संभाल कर रखा गया है ताकि लोग उसको देखें और इंस्पायर हों उनसे। तो सबकी कंट्रीज़ में ऐसे होते हैं म्यूज़ियम्स जिनको देखकर वाकई में यार अंदर से लगता है, हम अगर कहीं जाते हैं इंडिया में तो यहाँ पर गांधी जी की चीज़ें या फिर बहुत सारे लोगों की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग लोगों की। तो वैसे ही म्यूज़ियम जो होते हैं वो यादों को संजोकर रखते हैं अपने अंदर, जिनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो स्पेशल ऑन कायद डे, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। लाइक करके शेयर करें अगर ज़रा भी पसंद आया तो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।